नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार की चाबी मेरे हाथ में है, या और सामने जो कार खड़ी है ये है टाटा अल्ट्रोज। ठीक है, तो आज हम सिर्फ की फंक्शनलिटी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्किंग, जैसे बहुत बड़ी पार्किंग हो और जहाँ पर आपको गाड़ी नहीं मिल रही हो, तो वहाँ पर आप गाड़ी कैसे ढूंढ सकते हैं, और इस की में क्या क्या फीचर्स है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, इसमें लॉक अनलॉक लॉक बटन है। ठीक है, उसके बाद आप अनलॉक बटन अगर प्रेस करते हैं तो अनलॉक लॉक, तो आप देख सकते हैं कि मिरर जो है साइड वाइज इसमें ओपन और क्लोज होता है लॉक अनलॉक करने पे। साउंड मैंने इसका बंद कर रखा है, इसलिए ये आपको साउंड नहीं आएगी इसमें, क्योंकि मैंने कार की सेटिंग से इसकी साउंड को बंद कर रखा है। आप जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीचर है हेडलाइट का, जो सिग्नल बना हुआ है। तो आप इस पे हेडलाइट पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो DRL है वो ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, लेकिन ये सिर्फ रात को ही विजिबल होगा। अगर डे टाइम में आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगी हुई है तो बहुत ही मुश्किल है कि आप डे टाइम में इस ऑप्शन को यूज करके गाड़ी को ढूंढ पाओ। तो इसको फिर से आप प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अब दूसरा जो ये आप जो आइकन देख रहे हैं, ये आइकन जो है ये बूट स्पेस ओपन करने के लिए है। जो डिक्की गाड़ी के बोलते हैं, जो बैक डिक्की होती है, उसको ओपन करने के लिए ये बटन दे रखा है कि आप इसको ओपन कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो मैं गाड़ी को फिर से लॉक कर देता हूँ। ये लॉक कर दिया मैंने। अब जो सबसे बड़ा ऑप्शन जो इसमें अवेलेबल है, कि जैसे आपकी गाड़ी बहुत बड़ी पार्किंग में लगी हुई है और आपको नहीं पता कि आप भूल गए कि कौन से पिलर के पास आपने लगाया। जैसे देखते हैं बहुत टाइम, जैसे हम बेसमेंट में कहीं पे पार्क करते हैं गाड़ी को और भूल जाते हैं कि पीला नंबर कौन सा है, तो हमें याद नहीं होता कि गाड़ी कहाँ पे मैंने खड़ी करी थी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे तो चलो मेरी सिंगल दो गाड़ी खड़ी है, तो इसमें इजीली विजिबल है कि गाड़ी यहीं पे है, तो आइडेंटिफाई करना आसान है कि भाई हाँ मेरी गाड़ी यहीं पे है। बट जहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग हो और वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो, आपको नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पे है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे ढूंढोगे? तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप ध्यान से देखना है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप भूल जाओ कि आपकी गाड़ी कहाँ पे पार्क है, नहीं मिल रहा, तो उस समय आप क्या करोगे? तो आप की लोगे और इसमें लॉक अनलॉक ये दो बटन है, दोनों बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है। ठीक है, एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ दोनों को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, तो आपने देखा ये साउंड जो है वो सुनाई आवाज़ देने लगेगी गाड़ी, और इस तरह से साउंड करने लगेगा। तो जैसे ही अगर हम दोनों बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक रेड लाइट जलती है, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जलने लगती है, जिससे कि पता चलता है कि अच्छा आपका ये एक्टिवेट हो रहा है। और फिर आप उसको बंद कैसे करोगे, तो जैसे आपने गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली कि मेरी गाड़ी यहाँ पे है, तो आप कोई भी बटन इन चारों में से प्रेस करोगे, लॉक अनलॉक कुछ भी आप बंद ऑन करो प्रेस करो, उससे ये साउंड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ गाड़ी को, मैंने लॉक कर दिया। फिर से मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये दोनों बटन लॉक अनलॉक बटन एक साथ प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे, फिर आप इस लॉक बटन को प्रेस करो, ये गाड़ी म्यूट हो जाएगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बड़ी पार्किंग कहीं भी गाड़ी लगी हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन यूज़ करके आप गाड़ी अपनी ढूंढ सकते हो। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, ये था टाटा अल्ट्रोज की फीचर्स के बारे में, कि अब में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। और ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको चाबी इसमें मिलती है, तो आप ऐसा ही चाबी होता है, दो चाबी होते हैं सेटिंग्स आपके पास ऐसे मिलता है। ये मैंने एक ही आपको दिखाया है, बाकी और भी होते हैं, दो हैं जो आप रख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।